अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम सच कह रहे हैं सुरेंद्र भाई साहब, जब हमने इन दोनों बच्चियों को पहली बार देखा, आपको देखा, आपके पूरे परिवार को देखा, तभी हमारे मन में आ गया था कि काश हमारा एक और बेटा होता तो हम दोनों बच्चियों को हमारी अपनी बेटियां बनाकर घर में ले जाते बहू के रूप में। देखो हमारे मुंह पर सरस्वती थी और आज शायद वही बात सच होने जा रही है। आज आपकी एक बेटी घर छोड़ के चली गई, उसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन भोलेनाथ ने क्या चाहा, भोलेनाथ जी ने रास्ता निकाल दिया। आप मौन क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं? संकट काल में मौन सबसे बड़ा शस्त्र होता है, हमने सुना था, लेकिन ये शस्त्र आपके विरुद्ध न चला जाए इस बात का ख्याल रहे। आपने अगर हामी भर दी ना तो दोनों परिवारों की इज्जत रह जाएगी और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि अगर डोली खाली गई तो दोनों परिवारों की इस घर से अर्थी उठ सकती है। आपकी एक बेटी ने इस घर की इज्जत बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर धामी चाहे तो इस घर की इज्जत बचा सकती है। जजमान जी, कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी। हम बुला के लाते हैं। बड़ी देर हो गई, सुरेंद्र भैया दिखे नहीं। पूरे गांव में किसी का भी ब्याह गीता दीदी के गाने के बिना नहीं होता है और आज देखो उसी की बेटी के ब्याह में उसी का ढोलक शांत पड़ा है। ये काशी भाई साहब भी बहुत देर से दिख नहीं रहे, पता नहीं मामला क्या है। दादी, भाई सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुझे ध्रुचि से शादी कर लेनी चाहिए। कैसे मम्मी, दीदी की जगह है वो? तेरी दीदी अपने स्वार्थ की खातिर ये घर छोड़कर चली गई। धानी, जाने से पहले उसने हम लोगों के बारे में एक बार नहीं सोचा। वो दृष्टि जिसकी इज्जत और जिसकी खुशियों के लिए हम जीवन भर लड़ते रहे, वो आज हमारी इज्जत को रौंद कर चली गई। बेटा, तेरे बाप की पगड़ी नीलाम होने की कगार पर है, इसे नीलाम होने से तू ही बचा सकती है धानी, नहीं तो हम लोग शर्म के मारे मर जाएंगे। दिदिया जी, पंडित जी बुला रहे हैं सृष्टि बेटी को, मुहूर्त निकला जा रहा है। दिदिया जी, लोग तरह तरह का बात बना रहे हैं। अब दिदिया जी, तुम चलो, दामिनी हमारे। अच्छा ठीक है। धानी बेटा, तुझे याद है ना, तू हमेशा हमसे कहा करती थी कि हम जब भी चाहें तो उससे कुछ भी मांग सकते हैं और तू बिना सवाल किए उसे पूरा करेगी। आज तेरा वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है धानी। हमारी ये बात मान ले, हम जीवन भर तेरे आभारी रहेंगे, दोनों परिवारों की इज्जत बचा ले धानी। आप
हमसे हमारी जान मांग रहे थे पापा, पर आप हमसे हमारी पहचान मांग रहे हैं। दीदी का कोई अता पता नहीं है, ऐसे में हमारे होने वाली चीजू है, कैसे हमें। दीदी ने और चीजू ने एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, हम नहीं कर सकते। हम दीदी की जगह नहीं ले सकते। पर अंकल जी, हम तो क्या, रूप जी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। दामी बच्चा, फिलहाल आपको ध्रुव को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और कितना समय लगेगा कन्या को आने में? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। जी पंडित जी, बस आ रही है। जल्दी ले आइए। भैया जाकर देखिए क्या हुआ। ठीक है। क्या हुआ? अरे ये तो पता करना है कि क्या हुआ। हमको तो लगता है बहुत भारी ड्रामा चल रहा है। अभी हम गए थे ना भीतर, कितना देर तक हम दरवाजा खटखटाए हैं, कोनो दरवाजा नहीं खोला है। हमको लगता है भारी पंचायती चल रहा है। अभी पंचायती कौन बात के लेके हो रहा है ना, ये पता लगाना है। चाची जी, कोई दिक्कत या परेशानी? ना कोनो दिक्कत नहीं है। बिटिया की शादी है ना, तो भोर विभोर हो ही जाती है, माँ बाप है। आप भी इमोशनल हो गए हैं। सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक है। आप चलिए ना। आप कह रहे हैं कि हम ध्रुव जी को बिना बताए उनसे शादी करें? इस वक्त का तकाजा क्या है? खामोशी। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है बच्चा। आप इस परिवार की बेटी होने की कीमत चुकाओ, ध्रुव अपने प्यार की कीमत चुकाएगा। इस वक्त इस शादी से बढ़कर हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बस अपना फैसला सुनाओ। तू ये शादी करेगी? भाई साहब, धानी ये शादी करेगी। उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी। धानी, अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं कही तो हम अपनी जान दे देंगे। तले घुट घुट के मरने से अच्छा कि हम अपनी जान दे दे। क्या कर रहा तुमने? हमारे लिए चारा ही क्या छोड़ा है? एक बेटी मुंह काला करके भाग गई और दूसरी गांधारी बनी बस आंखें बंद करके तमाशा देख रही है। जिन बेटियों को हमने जीवन दिया उन्हें अगर हमारे जीवन की फिक्र नहीं है तो हम अपनी जान ले लेते हैं ना। तुम हटाओ से नीचे, नीचे करो। सुंदर भाई साहब रोकिए ना। नहीं भाई साहब, हमें मत रोकिए। वैसे भी सच बाहर आने के बाद लोगों की तिरस्कार, उनके ताने सुनकर उनकी तिरस्कार भरी नजरों का सामना करने से अच्छा है कि वो अपनी जान दे दे। बोल दादी, तू शादी करेगी या नहीं? पापा रोके ना मम्मी को, क्या कर रही है? मम्मी रुक जाए। तो आज अपनी सिर्फ माँ ही नहीं खोएगी, हमें भी खोएगी धानी। इसलिए कह रहे कि तुम बात मान जा। बोल रानी, तू शादी करेगी या नहीं?
पहले बहुत आजाद थी तो शादी करेगी ना, अपनी बहन की जगह लेगी ना। करेंगे हम शादी। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग अरे नाचो दीदी नाचो, कल सृष्टि हमारे ध्रुव की जीवन साथी बनकर इस घर में आ जाएगी। हाँ पलकों पर बिठा कर रखेंगे उसे। आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ध्रुव जी को भी सब सच बता दीजिए, उन्हें सच जानने का हक है, उनकी जिंदगी का सवाल है ये, प्लीज। मेरे बच्चे, हमने ध्रुव को जन्म दिया है और जितना हम ध्रुव को जानते हैं उतना शायद आप भी नहीं जानते। खून है हमारा, अगर हमने अभी उसे बता दिया तो वो ये शादी कभी नहीं करेगा। इससे क्या होगा, ना हमारा मकसद हल होगा और ना परिवारों की इज्जत बचेगी। एक वचन देता हूं, इस घर से इनकी बेटी की हैसियत से जा रही हो, दुल्हन बन के जा रही हो, लेकिन हमारे घर में हमारी बेटी बन के गृह प्रवेश करोगी। भोलेनाथ की कसम खाता हूं मैं, इस घड़ी के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी विपदा आएगी तो उस विपदा को हमसे गुजरना होगा। हम उस विपदा के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। भाई साहब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बेटा, इनका विश्वास करो, ये तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तैयारी कीजिए, हम इसे तैयार करके लाते हैं। महादेव महादेव।
देर लग रही है दुल्हन को तैयार होने में? पता नहीं, दुल्हन देर कर रही है या बात कुछ और है। परीक्षा में भी यही हुआ था, बाद में सीधा रिश्ता टूटने की खबर आई। सुना है 15-17 रिश्ता ढूंढने के बाद एक रिश्ता मिला है और वो भी बार बार टूट जाता है। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे गड़बड़ तो लड़की में ही होगी, इसलिए तो बार बार रिश्ते ठुकरा रही है। अरे बहन, आजकल किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो अच्छा दिखता है ना वही चंट निकलता है। अरे बुआ जी, जाओ जाके देखो ना दुल्हन क्यों नहीं आ रही है। अरे हाँ रे, पंडित जी कब से आवाज दे रहे हैं, जरा जाके देखो दुल्हन है भी या भाग गई। बस होने वाली पत्नी है हमारी सुश्री जी, और अगर कोई भी उनके बारे में कुछ भी कहेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सुश्री जी उनके परिवार को अच्छे से जानते हैं, पूरा भरोसा उन पे हमें, और बहुत अच्छा परिवार है ये। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी थी, और आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो ये रिश्ता टूटेगा और ना ही वो यहां से कहीं जाएंगे। और हाँ, अगर किसी को इंतजार करने में दिक्कत हो रही है तो दरवाजा खुला, यहां से जा सकते हैं आप। महानुभाव, अरे सुनिए 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 सुनिए, हमारी बात सुनिए। काशीनाथ पांडे नाम है हमरा, ये देखो आज हमरा शेर का शादी होने जा रहा है। ये देखिए हमरा समझी है, बहुरानी देने प्यार गया और हम बिटिया लेने के लिए लड़ गया। देखिए हमारे समझी जी का गाल अभी तक लाल है, ये देखिए आधा चेहरा अभी तक लाल है। कहा हमरा टाइगर, कहा गदाधर भीम की तरह खड़ा है। बैठ दुल्हनिया आ रही है, बैठ बैठ, टेंशन नहीं लेते, सब ठीक हो जाए। पंडित वाह, मंत्र उच्चारण किया जाए, शीघ्र आदि शीघ्र बहुरानी का आगमन हो रहा है। खुश होइए, खुशी का मौका है। अब आ भी जाइए सृष्टि जी। हम जानते हैं ये तेरे लिए आसान नहीं है, पर संभाल खुद को। ध्रुव जी देवता आदमी है, वो तुझे हमेशा खुश रखेंगे। ये घूंघट तेरी मुंह दिखाई पे ही उठेगा। सृष्टि बेटा, चलो कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है।